नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सितंबर मंथ 2017 की कड़ी में आगे बढ़ते हुए करंट अफेयर्स में मैं डॉक्टर रवि अग्रहरी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा अपना एक रूल है, लेक्चर शुरू करने के पहले हम स्टडी आईक्यू के पेंडे कोर्सेज के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, जो SSC बैंकिंग के लिए अवेलेबल है, UPSC के डिफरेंट मॉड्यूल कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, UPSC ऑप्शनल के लिए अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए अवेलेबल है, स्टेट PCS के लिए अवेलेबल है, लॉ क्लैट के लिए अवेलेबल है। अगर आप इन पेन ड्राइव कोर्सेज को लेकर आप हमें घर पे सुनना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत में एक मिनट के अंदर मैं फिर आपसे बता दूं, जो करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं, जैसे मेरी बुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लिखी गई है, उसी यूनिट के अकॉर्डिंग यहाँ करंट अफेयर्स को अपडेट किया गया है, ताकि आपको बेसिक और ट्रेडिशनल चीजें आपको बुक से कवर हो जाए और करंट अफेयर्स के पार्ट को उसके आगे आप इन वीडियोज को फॉलो करते जाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट एडिशन ऑफ बुक आती है तो इन चीजों को अपडेट करके फिर उसमें मर्ज कर दिया जाए, ताकि आपका करंट अफेयर्स ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के साथ हमेशा अपडेट होता रहे मेरे साथ। यूनिट 1 डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिट 2 एनर्जी, यूनिट 3 स्पेस टेक्नोलॉजी, यूनिट 4 में ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट 5 में डिफेंस टेक्नोलॉजी, यूनिट 6 में रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, यूनिट 7 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यूनिट 8 में पार्टिकल फिजिक्स, यूनिट 9 में बायोटेक, यूनिट 10 में हेल्थ एंड डिजीज और यूनिट 11 में मिसलेनियस टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, जैसा कि मेरी बुक में भी रहा है, मैग्राहिल पब्लिकेशन में हिंदी इंग्लिश मीडियम में, और यही इसी यूनिट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ करंट अफेयर्स के अपडेट भी कर रहा हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहले यूनिट पर आते हैं दोस्तों। पहले यूनिट में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इस बार करंट अफेयर्स में न्यूज में रहा है सितंबर मंथ में, उसमें एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना। ये विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, और ये परियोजना है जनरली ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। स्कीम के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट तरह की चीजों को एडॉप्ट करने वाला है, और उस गांव के लेवल को, एक ग्रुप ऑफ गांव को यानी क्लस्टर ऑफ विलेजेस को लेकर उसको आत्मनिर्भर बनाने वाला है, यानी सेल्फ सस्टेनेबल बनाने वाला है एक टाइम के अंदर। यहाँ पे करने हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस परियोजना के अंदर हम वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को, वहाँ के मैन पावर को लेंगे और उनको वहाँ पर वैल्यू एडिशन के थ्रू वहाँ की जो जनता है उनको कई नए अच्छे सर्विसेज दिए जाएंगे, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और लोगों की लिवलीहुड की कंडीशन को हम बेटर कर सकें। इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रखी गई यहाँ पे, डिफरेंट तरह के प्रोसेसिंग चीजें हम लगाई जाएंगे, जो मिल्क प्रोसेस है, हनी प्रोसेस है, मशरूम है, हर्बल टी है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह, इनकी प्रोसेसिंग जो होगी, इनकी वैल्यू एडिशन जो होगी की जाएगी। इसमें हैंडीक्राफ्ट वगैरह इन एरियाज में जो भी है उनको बूस्टअप करने का, एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को बूस्टअप किया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, जो हम फलों सब्जियों वगैरह को जो हार्वेस्ट करने के बाद जो हम उसकी प्रोसेस करते हैं, जैसे कीवी ले लो आप, स्ट्रॉबेरी ले लो आप, चेरी ले लो आप, तुलसी ले लो, उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, उसको सोलर ड्राइंग से उसको ड्राई किया जाएगा, जिससे वो चीजें मतलब हार्वेस्ट करने के बाद बेकार ना हो। एप्रिकॉट वगैरह का एक्सट्रैक्शन अच्छी तरह से होगा, उसको प्रॉपर कोल्ड प्रेस तकनीकी के द्वारा हम सुरक्षित करेंगे। इसके अलावा बहुत सी तरह के कंट्रोल मेजरमेंट है, वहां का एनर्जी कंजर्वेशन, वहां का वाटर कंजर्वेशन भी साथ साथ किया जाएगा। इसके अगर की फैक्ट्स में जाएं आगे बढ़ते हुए दोस्तों, तो यहां मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि ये जो है एडॉप्ट करेगा एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस उत्तराखंड में होगा जनरली, और ये विज्ञान तकनीकी का एक सोशल लेवल पर एक विकास है, एक डेवलपमेंट है जो उस एरिया में होगा, किया जाएगा। इसके थ्रू कितने लोग किस तरह से बेनिफिट होंगे उसके बारे में बात करते हैं, तो ऐसा कहते हैं तकरीबन 1 लाख जनता, 1 लाख लोग वहां के बेनिफिशियरी होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और 4 आइडेंटिफाई क्लस्टर्स हैं जो 67 विलेजेस के बनाए गए हैं उत्तराखंड में मिलाकर, और 4 आइडेंटिफाई क्लस्टर्स ईच 60 विलेज के उत्तराखंड में बनाकर उनके लिए इस तरह की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ ये सिर्फ लिवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही नहीं करेगा, इसके अलावा दोस्तों उस एरिया में जो होगा इको टूरिज्म, वहां पे नेचुरोपैथी और योगा को भी बढ़ावा देगा। तो इसको आप याद रखिएगा, चैप्टर यूनिट 1 में साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट में एक नया प्रयास जो गवर्नमेंट के साइड से हुआ है वो यही है। यूनिट 2 एनर्जी में आते हैं, या एनर्जी एफिशिएंसी अवार्ड के बारे में बात करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी अवार्ड जो है ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया है। ये नेशनल अवार्ड जो है एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस के लिए है, एनर्जी मैनेजमेंट 2017। इसका पूरा नाम है दोस्तों नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट 2017। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको
होस्ट किया है सीआईआई ने, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट 2017 हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया है। अब बात ये होती है इनके पीछे रीजन क्या, क्योंकि यहाँ पर जनरली जो रिकॉग्नाइज कंपनीज हैं वो इंगेज हैं पूरी तरह से एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, और पूरी तरह से बात करूं तो वहां पे जो कमिटमेंट है एनर्जी कंजर्वेशन का, यानी एनर्जी संरक्षण यानी एनर्जी को बचाने के लिए, वो यहां पर पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है। यहां पर कुछ चीजें और बताऊं दोस्तों, यहां इको फ्रेंडली व्हीकल्स यूज किए जा रहे हैं, जहां पे एटलीस्ट आप अगर आप कहें तो ग्राउंड हैंडल व्हीकल्स हैं, ट्रॉली मूवर्स हैं, और जो ये सारी चीजें हैं वहां ई कार को यूज किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो एनर्जी सेविंग है तकरीबन ऐसा कहते हैं कि 14.8 मिलियन यूनिट पिछले 3 सालों में जो है वो काफी हद तक किया जा चुका है, यानी कहने का मतलब हम बहुत बड़ी मात्रा में अच्छा खासा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब इस एयरपोर्ट पे सारे के सारे मेथड को ज्यादा से ज्यादा हम सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करते हैं और एनर्जी एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं। सौभाग्य स्कीम बात करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में आप मेरी बुक से पढ़िएगा, उसके बाद उसका नया अपडेशन है सौभाग्य स्कीम जो लॉन्च किया गया है। जो मेरी सेकेंड एडिशन बुक आ रही है दोस्तों, जो प्रिलिम्स के बाद आएगी, इंग्लिश मीडियम में आ रही है, उसमें सौभाग्य स्कीम पूरी तरह से दिया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2017 को 16,320 करोड़ रुपीस का, यानी 16,320 करोड़ रुपीस का, 16,320 करोड़ रुपीस का सौभाग्य स्कीम लाया है, जिसका पूरा नाम है सहज बिजली हर घर योजना। तो सौभाग्य का पूरा नाम क्या है एक तरह से देखें तो सहज बिजली हर घर योजना। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ओवर 40 मिलियन फैमिलीज। तो तकरीबन 40 मिलियन लोगों को, 1 मिलियन बराबर होता है दोस्तों 10 लाख, तो 440 मिलियन का मतलब होता है 400 लाख परिवारों को, है ना, मतलब मिलियन फैमिली जो रूरल एरियाज में रहते हैं और अर्बन एरियाज में रहते हैं उनको दिसंबर 2018 तक इलेक्ट्रिफाई कर लिया जाएगा। इस स्कीम के अंदर बात क्या हुई, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है इलेक्ट्रिसिटी सबको प्रोवाइड करने को दिसंबर 2018 के एंड तक, यानी 19 के मार्च के पहले ये चीजें पूरी कर ली जाएंगी। अब इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो ONGC है वो तकरीबन 100 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड भी जनरेट करेगा, जो यूजर फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंसेस के लिए यूज किया जाएगा। ये इसके की पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना था दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ इंफॉर्मेशन और है जो सौभाग्य स्कीम में जानना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि इसकी जो फंडिंग है वो तकरीबन 16,320 करोड़ रुपीज है, और इसको अगर देखें तो ये पूरी तरह से जो जगह और जो एरिया आइडेंटिफाई किया जाएगा उसको सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के बेस पर, जो 2011 का डेटा है उसके बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कहाँ पे किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करानी है या प्रोवाइड करना है उस पर उसको ये डिसाइड करेगा। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो होता है इसी के बेसिस पर बेनिफिशियरी जो होंगे जहां पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना या और चीजें करनी है वो यही डिसाइड करने वाले हैं। SECC का जो डेटा होगा वो अनइलेक्ट्रिफाइड हाउसहोल्ड्स, है ना, जो है नॉट कवर्ड अंडर द SECC, ठीक है। तो ये चीजें इनमें कवर नहीं भी होने वाली, जो अनइलेक्ट्रिफाइड हाउसहोल्ड्स हैं वो इनमें कवर नहीं होने वाले SECC के डेटा पे। तो SECC कुछ चीजों में डेटा नहीं भी दे रहा है। उस केसेस में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है अंडर द स्कीम ऑफ पेमेंट 500 रुपए तक के कनेक्शन को दिए जाएंगे, जहां पे फ्री वगैरह की बात कर रहे हैं। और पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको उसको उसका पूरा का पूरा जो नोडल एजेंसी है जिसको रेगुलेट करेगी वो REC करेगा, जिसका नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, जहां पे 24/7 पावर सप्लाई की बात की जा रही है, जिसको मार्च 2019 तक पूरा करने की बात थी। कोशिश है कि 30 दिसंबर 2018 तक ये सारे लक्ष्य को पूरा कर लिया जाए। इंडिया में पहला इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च किया गया है जो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों लॉन्च किया गया है। ये पहला इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज है जो कि रोहतांग पास से होकर गुजरेगा एरिया में, और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और ऐसा वो एरिया ऐसा कहते हैं तकरीबन 13,000 फीट हाइट पर है। और ये जो बस सेवा है दोस्तों ये मनाली से रोहतांग के बीच चलाई जाएगी, ऐसा कहते हैं। टोटल 10 बसों को इसके बीच में लगाया गया है। ओके, आगे बात करते हैं उजाला स्कीम के बारे में बात करें तो ये उजाला स्कीम जो है मलाका मलेशिया में फिर से इसको
फर्दर स्प्रेड किया गया है। तो उजाला स्कीम जो भारत में पूरी तरह से सक्सेस बोला जा सकता है, ये भारत में नहीं दोस्तों, भारत के अलावा अन्य राष्ट्रों में भी, जहां पे मिलाका, मिलाका एक जगह है मलेशिया में पड़ता है, वहां पे भी इसे लाया गया है। इसके पीछे जनरली इंडिया जीरो सब्सिडी जो है उजाला प्रोग्राम, इसका एक ब्राइटर फ्यूचर आपको देखकर समझ में आएगा जो मलेशिया में दिख रहा है। इसके लिए जो सर्विसेज हैं जो दे रहे हैं भारत में, वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ईईएसएल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, उसने ही उजाला स्कीम लॉन्च किया था। और यही उजाला स्कीम, जिसका पूरा नाम है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लाइटिंग फॉर ऑल, जहां पे एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी, सस्ते प्राइस पर और इजिली एसेसिबल एलईडी हर किसी के घर तक पहुंच जाना, ये स्कीम अगर देखा जाए तो आज स्टेट मिलाका में यानी मलेशिया में इस चीज को फिर से स्प्रेड किया जा रहा है। तो इसके इसके बारे में बात कर रहा हूं कि मिलाका में जो एलईडी को हम यूज कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे फायदा क्या है? ऐसा कहते हैं दोस्तों, वहां कार्बन एमिशन तकरीबन पर साल 19,000 टन, अगेन आई रिपीट, 19,000 टन कार्बन एमिशन वहां पर कम हो जाएगा। अगर हम ईएसएल की बात करें, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का प्लान जो है, वो जनरली 1 मिलियन 9 वॉट के एलईडी बल्ब को पहुंचाएगा मिलाका में, जो कि आज वहां पर तकरीबन 18 वाट के 18 वाट के सीएफएल बल्ब यूज किए जा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 18 वाट के सीएफएल को मिलाका में रिप्लेस कर दिया जाएगा 1 मिलियन, है ना, 9 वाट के एलईडी बल्ब से, यानी कहने का मतलब अच्छा खासा एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर होने वाला है। इसका आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले चैप्टर में, अगले यूनिट में, स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हुए, प्लूटो पर कुछ माउंटेन्स हैं जिसके बारे में पुष्टि हुई है। ये प्लूटो के जो माउंटेन्स हैं, इनका जो नाम है वो तेंजिंग नार्गे और एडमुंड हिलेरी, है ना, इस तरह के नाम दिए गए हैं। आप सब जानते हैं ये सब एक तरह के पर्वतारोही हैं, तेंजिंग नार्गे और एडमुंड हिलेरी। ये जो नाम है जनरली वो डिसाइड किया है IAU ने, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एस्ट्रोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी बॉडी है, ये सबसे बड़ी बॉडी जो UN ने ही ऑर्गेनाइज कराया है। इसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। आपको पता होगा कि प्लूटो हमारा सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट नहीं है, वो इसी के थ्रू 9th प्लैनेट से बाहर किया गया। सो प्लूटो पर कुछ माउंटेन्स रेंजेस हैं जिनको तेंजिंग नार्गे और एडमुंड हिलेरी के नाम से जाना जा रहा है। पहली टाइम ये चीजें अप्रूव हुई हैं। वहां पर करीब 14 ऐसे पिक्चर्स हैं, फीचर्स हैं, जो आईसी ड्वार्फ प्लैनेट की तरह के पिक्चर्स वहां देखे गए हैं। और ये एक तरह से बताऊं दोस्तों, इसके बारे में जो पुष्टि की गई है वो न्यू होराइजन मिशन पे भी यूपीएससी ने 2015 में या 14 में प्रिलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, जहां पे मैसेंजर, वाइगर, न्यू होराइजंस, ये सारे नाम आपके पेपर में पूछे गए। यानी कहने का मतलब है इंटरनेशनल स्पेस मिशन जो भेजे गए हैं डिफरेंट तरह के स्टडी के लिए स्पेस में, वो भी आपको जानने पड़ेंगे। लास्ट टाइम क्वेश्चन 2014 का पूछा गया था, बुक में स्पेस टेक्नोलॉजी के लास्ट में ये क्वेश्चन देखिएगा जरूर। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ओसिरिक्स रेक्स स्पेसक्राफ्ट के बारे में। ओसिरिक्स रेक्स जो है, इसका पूरा नाम है दोस्तों स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर। ओसिरिक्स रेक्स का पूरा नाम, अगेन आई रिपीट, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर है, जो नासा का पहला अनमैन्ड एस्टेरॉइड सैंपलिंग मिशन है, जो एस्टेरॉइड के सैंपल को लेकर उसकी स्टडी करने वाला है, जिसको सितंबर 2016 में भेजा गया। और ये एक एस्टेरॉइड है जहां पर पहुंचा है, जो कि और वहां की उसकी स्टडी के, उसका नाम है बेन्नू, BENNU, बेन्नू। यानी कहने का मतलब है ओसिरिक्स रेक्स स्पेसक्राफ्ट जो नासा का मिशन है, जो एस्टेरॉइड की स्टडी के लिए भेजा गया, जिसका नाम, जिस एस्टेरॉइड पर पहुंचा जहां उसकी स्टडी के लिए, उसका नाम है बेन्नू, BENNU। बेन्नू एक ऐसा एस्टेरॉइड है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ऐसा कहते हैं कि ज्यादा टिल्टेड है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, ये अर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा टिल्टेड है, जो इसकी स्टडी कर हमें पता चली है। तो ओसिरिक्स रेक्स किससे जुड़ा हुआ एस्टेरॉइड? बेन्नू की स्टडी से जुड़ा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। आई एम वेरी श्योर दोस्तों, केसनी मिशन के आने के चांसेस यूपीएससी में ज्यादा हैं, क्योंकि अभी हाल ही में केसनी का लाइफ टाइम खत्म हुआ है। तो आप केसनी को थोड़ा सा ध्यान रखें। केसनी मिशन जो था 1997 में भेजा गया था, नासा का एक मिशन है दोस्तों, ये सिर्फ नासा का ही नहीं है, इसमें 3 कंट्री ने एक साथ मिलकर केसनी मिशन भेजा था। उसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो आप नासा देखें, अमेरिका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटली, इटालियन स्पेस एजेंसी भी इसमें शामिल है, जिसका नाम है एजेंजिया स्पेजियली इटालियाना। तो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटली का ये ज्वाइंट मिशन है केसनी
मिशन। आगे बढ़ते हैं। केसनी का जो पहला स्टेप है जो शटन की स्टडी के लिए भेजा गया, उसने इसके रिंग की स्टडी की और साथ ही साथ उसके चंद्रमा की भी स्टडी की, उसके मून्स की स्टडी की 2004 में। अच्छे इंफॉर्मेशन दिए हैं और ये ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट है जो शटन यानी शनि की कक्षा में जाकर और इसने स्टडी की है। इसके पहले जितने भी मिशन उन्होंने दूर से शटन की स्टडी की है, लेकिन ये शटन की ऑर्बिट के अंदर घुसकर जाकर वहां के रिंग की स्टडी करना, वहां पे जो पाए जाने वाले मून से उसकी स्टडी करना, 2004 में ऐसे रिजल्ट्स आ चुके हैं। साथ ही साथ टाइटन के बारे में बात करें तो साइंटिस्ट का कहना है कि टाइटन की स्टडी की मदद से टाइटन कैसनी मिशन की मदद से जो शटन की स्टडी है उसमें जो टाइटन है, टाइटन एक चंद्रमा है दोस्तों, उसका मून है एक तरह से कैसनी का, और इसकी स्टडी करके ये बताया गया इस कैसनी मिशन के थ्रू कि यहाँ पर लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ की पुष्टि भी हुई है। दूसरी चीज, कैसनी हाइजन में एक अनमैंड स्पेस क्राफ्ट है। पूरी तरह से अगर बात करें कैसनी जो है चौथा स्पेस प्रोब है जो शटन में गया है, लेकिन पहला ऐसा जो कि शटन की ऑर्बिट में एंटर किया है। इसकी जो डिजाइन है उसमें शटन एक ऑर्बिटर है और साथ में एक लैंडर भी है। ऑर्बिटर वो होता है जो ऑर्बिट में लगा दिया जाता है, जो दूर स्थापित कर दिया जाता है अपने ऑर्बिट में और वहां से इमेजेस और पिक्चर्स लेके उसके इंफॉर्मेशन हमें अर्थ पे भेजता है, और लैंडर वो होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम किसी सर्फेस पे उतरते हैं। तो जो 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 शटन का एक मून है जिसको हम टाइटन कहते हैं, उस टाइटन मून पर हमने उस लैंडर को उतारा भी है उसकी स्टडी के लिए, और उस लैंडर का नाम है दोस्तों हाइजन। तो कैसनी हाइजन में कैसनी जो है एक तरह का ऑर्बिटर है और हाइजन जो है वो एक तरह का लैंडर है जो कि सरफेस पर उतरकर उसकी स्टडी करता है, उसके पिक्चर्स लेता है, उसके सैंपल्स लेता है, उसके बारे में बताता है। इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में बात करें, जहां जिसके बारे में यूपीएससी ने 2016 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया है। आपको बताऊं दोस्तों, ये जो मिशन है ये 5 नवंबर 2013 को यानी 5 नवंबर 2013 को हमारे इंडिया के अंदर से श्रीहरिकोटा से भेजा गया था, और जो अपनी कक्षा में सक्सेसफुली जो हमें जहाँ पे इसको लगाना था 24 सितंबर 2014 को लगा दिया गया अपने ऑर्बिट में, जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं, या इसको आप मॉम भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में जब 16 में क्वेश्चन आया तो मंगलयान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट से, उसमें पहला ही स्टेटमेंट लिखा था मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ठीक है, मॉम है ये, इसका पूरा नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन है, ये इसरो का है। पूरी तरह इसको पीएसएलवी की मदद से भेजा गया है और आंध्र प्रदेश से भेजा गया दोस्तों। इसमें पूरा का पूरा जो एक्सपेंडिचर आया था वो तकरीबन 450 करोड़ यानी 450 करोड़ रुपीज का एक्सपेंडिचर रहा है के सरफेस पर, यानी इसके मार्स के सरफेस की स्टडी करना, उसके मिनरल कंपोजिशन के बारे में बताना, वहां पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस ऑफ मीथेन के बारे में बताना, किस तरह वहां लाइफ की पॉसिबिलिटी है, यानी इस चीजों के बारे में बताना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसमें 5 ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या पेलोड लगाए गए हैं जिसकी मदद से ये हमें मार्स के बारे में बताएगा। ओके, और इसके पूरे के पूरे 3 साल पूरे हो गए। डेफिनेटली दोस्तों 3 साल क्यों पूरे हो गए, क्योंकि 24 सितंबर से इसने कार्य करना शुरू किया है। तो अगर 24 सितंबर हम देखते हैं 2017, और ये हम करंट अफेयर्स कौन सा पढ़ रहे हैं, सितंबर मंथ का, तो सितंबर 2017 में यहाँ 3 साल पूरे हो गए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट इसने दिए हैं। इंडिया इसके साथ ही दुनिया का चौथा राष्ट्र बन गया है। 2016 में यूपीएससी ने पूछा था, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि यूएस के बाद इंडिया विश्व में, वर्ल्ड में दूसरी ऐसी कंट्री है जिसने मंगलयान मिशन भेजा था, तो वो स्टेटमेंट गलत था क्योंकि इंडिया स्टैंड 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड जो कि प्लैनेट मार्स की स्टडी कर आया है। लेकिन हाँ, इस चीज के बारे में बता रहा हूँ, भारत दुनिया के अन्य राष्ट्रों से जिन्होंने मार्स मिशन भेजा है उससे अलग इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है। इतने सस्ते प्रोजेक्ट में इवन कोई और काम नहीं हुआ, किसी ने मार्स मिशन नहीं भेजा। इवन यहां तक बोला जाता है दोस्तों, जो एक ग्रेविटी मूवी आई थी उस ग्रेविटी मूवी से भी सस्ता ये प्रोजेक्ट था। वो एक एनिमेशन लेकर मूवी आ रहे हो, हम वास्तविक रूप में उस प्लेनेट तक पहुंच जा रहे हैं। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने स्पेस क्राफ्ट को एक ही बार में अटैम्प्ट पे सक्सेसफुली अपने ऑर्बिट में पहुंचा दिया। जैसे कि आप कह लो कि एक बार के अटैम्प्ट में आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, बाकी कंट्रीज ने दोबारा तिबारा ट्राई किया तब जाके सक्सेस हुए, लेकिन हम पहली बार में ही सफल हो गए थे। ये वाला भी पॉइंट 2016 में तीसरा पॉइंट था जो यूपीएससी ने दिया था। आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स में, जहां गूगल तेज के बारे में बात करेंगे। इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है, आप सब जानते हैं डिजिधन है ना, डिजिटल इंडिया के बारे में, तो वहां पर डिजिटल पेमेंट मार्केट को बूस्ट अप करने के लिए गूगल तेज एप्लीकेशन लेकर आया है। तो तेज एप्लीकेशन क्या है, एक तरह का रैपिडली ग्रोइंग डिजिटल पेमेंट मार्केट है।
ओके ये गवर्नमेंट का एक यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है जिसको हम यूपीआई के नाम से भी जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी सब कुछ आप इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। दोस्तों ये डिजिटल इकोनॉमी ऐसा कहते हैं कि इंडिया का काफी हद तक बूस्टअप हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह को देखें तकरीबन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में $1 trillion जो है वो डिजिटल इकोनॉमी हो गई है, जो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन के थ्रू हम इधर उधर कर रहे हैं, यानी प्रोडक्टो खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इसके अंदर है क्या, इस पेज के अंदर बात करते हैं। ये स्टैंड अलोन एक अकेला ऐसा पेमेंट ऐप है जो जो एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस दोनों में डाउनलोड आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से कॉन्सेप्ट पर काम करता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो सिस्टम होता है एक ऐसा पेमेंट प्रोटोकॉल है जो जो गवर्नमेंट ने लेकर आया है, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको मैनेज करता है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को मैनेज करता है। तेज जो ऐप है दोस्तों ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में लाए गए हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश तो है, उसके अलावा बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नडा, तमिल और तेलुगु भी है। चार ऐसे बैंक हैं जो इनके साथ पार्टनरशिप में हैं, जिसमें एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI और SBI बैंक। तेज पूरी तरह से सिमिलर है हमारे भीम ऐप की तरह, यानी भीम ऐप जो जो है दोस्तों इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं और इकोनॉमी में भी इसके बारे में काफी न्यूज रहा है। तो ये जो भीम ऐप है वो NPCI द्वारा लाया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके तो उसी उसी का एक एक तरह से आप देखो तो तेज ऐप भी है जो गूगल का ऐप है। 5G पे बात करते हैं दोस्तों, 5G पे गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटजीज भी बनाए, एक रोड मैप भी बनाया है जो रिसेंट न्यूज आया है। गवर्नमेंट है सेट अप हाई लेवल फोरम जो कि इवेल्युएट करने के लिए रोड मैप एक बनाने के लिए दिया है, फार्मूलेट करने के लिए दिया है कि 5G को जो हमें अडॉप्ट करना है इस कंट्री में 2020 तक, उसका एक रोड मैप बनाया जाए। आप सब जानते हैं 5G जो है वो 4G LTE नेटवर्क से एडवांस तकनीकी होगा, और इस तकनीकी के अंतर्गत क्या होगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो फाइनल 5G स्टैंडर्ड है उसको वो डिसाइड किया गया है। आपको आगे बताता हूं दोस्तों, ये जो हेल्प करेगा हमारे कंट्री की GDP को बूस्टअप करने में भी हेल्प करेगा, साथ ही इम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी के डिजिटाइजिंग को भी बूस्टअप करने वाला है। 5G के बारे में कुछ और भी स्पेसिफिकेशन देखते हैं, इनके आने से ऐसी कौन कौन से और बेनिफिट हो सकते हैं। इसमें अपलोड करने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, डाउनलोड की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, ये क्लाउड सिस्टम जो है इंटरनेट वगैरह पर जो हम डेटा को सेव करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, म्यूजिक और नेविगेशन के डेटा को, ड्राइवरलेस कार को, और अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देगा। ये हेल्प करेगा, ये डिफरेंट तरह की हेल्प करेगा, यानी कहने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारी लाइफ से जोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में सीरी के बारे में बताया था, ये भी सीरी भी तभी काम करता है जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होता है। अगर 5G होगा तो हमारा इंटरनेट परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट होगा। और यहाँ पे एक चीज और बताऊं दोस्तों कि ये स्मार्ट डिवाइसेस को हम आसानी से डेटा एक्सचेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें IoT के द्वारा, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा, यानी हर प्रोडक्ट्स को, हर वस्तुओं को हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आजकल लॉयड के AC आते हैं, अमिताभ बच्चन का एडवर्टाइजमेंट आता है, आप एक तो मैसेज के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, आज क्या हो रहा है सारे के सारे या इंटरनेट के थ्रू आप जयपुर में बैठ के दिल्ली में अपने AC को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हैं जिसको 5G आने के बाद और बूस्टअप किया जा सकता है, इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं को कनेक्ट करना। इंडियन मार्केट अगर देखें तो 4G को पूरी तरह से अडॉप्ट कर चुका है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं कर चुका है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की चीज़ें अभी रिवॉल्यूशन होनी बाकी हैं। तो इन चीज़ों को हम और अच्छे तरीके से लाएंगे 5G होने के बाद, IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बूस्टअप होगा पूरे इंडिया में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेशन वाइड हैकथम जो एक ओपन गवर्नमेंट डेटा हैक है लॉन्च किया गया है, यानी नेशन ने राष्ट्र में पूरी तरह से बड़े लेवल पर पूरे राष्ट्र में हैकथम एक ओपन गवर्नमेंट डेटा हैक लॉन्च किया गया है, जिसको लाया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, जिसका पूरा एम है दोस्तों पूरी तरह से सपोर्ट करना डिफरेंट तरह के आइडियाज या टैलेंट को एनेबल कर डिफरेंट एप्स के द्वारा उनको इंफोग्राफिक्स करना, जिसके लिए ओपन गवर्नमेंट डेटा को यूज करना होगा। यानी कहने का मतलब है इसके द्वारा हम डिफरेंट तरह के हैक्शन, एक तरह का ऐसा
एक नेशन वाइड ओपन गवर्नमेंट डेटा हैक मतलब डेटा हैक है जो जो लाया गया है, जिसका काम है डिफरेंट तरह के आइडियाज और चीजों को सेव करना। यहाँ पे होता क्या है, जो ऑनलाइन और सारी चीजें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात, जैसे सैनिटेशन को लेकर अगर हम देखें तो हैकथॉन का थीम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हैकथॉन का थीम है दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, क्राइम एंड हेल्थ, ये सारे प्लेटफॉर्म जो है इस लेवल पर हैकथॉन काम करेगा। हैकथॉन ये जो साइट है ओपन गवर्नमेंट डेटा हैक, ये 24 आवर जो होगा हमें इसके 7 सेंटर्स होंगे जो स्थापित होंगे, 24 आवर्स हमें इस तरह की फैसिलिटी देगा। सो इसके बारे में एक बार और बता दूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा हैकथम जो एक सिंगल पॉइंट एक्सेस होगा, जो ओपन डेटा सेट होगा, ये डिफरेंट तरह के वेब बेस्ड वर्क होंगे जिसको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट के द्वारा आसानी से डेटा वगैरह लेने देने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा ये बेटर विजुलाइजेशन टूल है जिसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, एक एफिशियंट डिस्कवरेबिलिटी, रिसोर्सेज वगैरह की स्टडी के लिए भी काफी मददगार होगा, कम्युनिटी लेवल पर पार्टिसिपेशन हो सकता है जहां पर ब्लॉग्स के द्वारा, इंफोग्राफिक के द्वारा, विजुलाइजेशन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं पूरी जनता से। नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेस पॉलिसी 2012 के बारे में बात करूंगा दोस्तों। ये पॉलिसी जो है जिसका मुख्य एम है नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेस पॉलिसी 2012। इसका पूरा एम है दोस्तों कि प्रोवाइड करना डिफरेंट तरह के प्रोविजन और प्लेटफॉर्म को जो कि है ना आसानी से जिसका ओपन एक्सेस किया जा सके, जिसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों जिसमें पब्लिक फंड जो अवेलेबल है जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू है उसके सारे के सारे डेटा से डिफरेंट जैसे जो जो भी पब्लिक है, जो पब्लिक फंड है जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है उसको आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं। इसका पूरा का पूरा जो एम है दोस्तों, इसका जो प्रिंसिपल है वो डेटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी है जिसको ओपननेस, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी, सिक्योरिटी और मशीन रेडिबिलिटी के बेस पर इसी सिद्धांत पर ये काम करेगा। यानी कहने का मतलब है जितनी भी फंडिंग हो रही है वेरियस डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट में वो पूरी तरह से ढंग से हो रही है या नहीं उसकी पूरी ये पॉलिसी के अंदर उसको उसके लिए कोई नीति बनाई गई है जिसको मैनेज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आजकल का जो न्यूज है बहुत ही हॉट केक बोल सकते हैं आप, यहाँ पे यूपीएससी के क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बताया था, क्वांटम कंप्यूटर जो चाइना में जो क्वांटम सैटेलाइट्स करके जो भेजा गया है, क्वांटम सैटेलाइट जो कि पूरी तरह से सेफ होगा। वहीं पर दोस्तों क्वांटम में ही क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग के रेस में भी भारत अग्रणी है। अभी हाल ही में इंडिया ज्वाइन क्वांटम कंप्यूटिंग रेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्लानिंग किया था एक फंड प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए जो क्वांटम कंप्यूटर के लिए था। क्वांटम कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या, एक ऐसा क्लासिकल कंप्यूटर है दोस्तों जो किसी डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है बाइनरी सिस्टम में, लेकिन यहां पर जो बाइनरी यूनिट्स होती है जनरली जो क्लासिकल कंप्यूटर होते हैं वो बिट्स वगैरह में बाइनरी यूनिट्स में डेटा को सेव करते हैं। ये बिट्स जो होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, ओके 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। वहीं पर जो क्वांटम कंप्यूटर होता है ये बिट्स में डेटा को स्टोर ना करके दोस्तों तो ये क्यूबिट में स्टोर करता है, QUBITS। तो ये पहला डिफरेंस याद रखना, ये बिट्स में ना करकर यहां पर जो डेटा वगैरह स्टोर होता है इंफॉर्मेशन वो क्यूबिट्स में होता है। और क्यूबिट्स भी अगर देखें तो वो भी 0 या 1 है ना के समान अगर देखा जाए हो सकता है, या उनमें कोई डिफरेंट रेंज ऑफ नंबर भी हो सकते हैं, ओके 0 और 1 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 या 1 में से कोई हो, यहाँ 0 से 1 का कोई भी डिजिट हो सकता है, ओके दूसरी चीज मैं बताऊं, ये जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं इनका जो प्रिंसिपल होता है, जिस प्रिंसिपल पर सिद्धांत तरह काम करते हैं उनमें 2 आते हैं, एक होता है सुपर पोजिशन और दूसरा होता है इंटैंगलमेंट, ओके एक सुपर पोजिशन कहते हैं, दूसरा इंटैंगलमेंट है ना, यहाँ पे एन जो है वो साइलेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा एंटैंगलमेंट, ओके तो सुपर पोजिशन एंटैंगलमेंट के द्वारा ये जो क्वांटम कंप्यूटर है ये पूरी तरह से काम करता है। एक्चुअली ये दोनों प्रिंसिपल के बेस पर अगर हम यूज करें तो सुपर पोजिशन एंटैंगलमेंट बोलते हैं, यहाँ क्यूबिट जो होता है उसको हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से हम उसको क्वांटम कंप्यूटर में एनेबल कर सकते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं और उसे डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स में जो डिफिकल्टीज आती है कंप्यूटर में और जो गणना करने में उनको हम बहुत अच्छी तरह से फास्ट तरीके से एक्सेस
कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ डेटा काफी सेफ और सिक्योर होगा, और डिफरेंट लेवल पर जहां पे क्वालिटी मेजरमेंट चाहिए कंप्यूटर का, वहां नॉर्मल कंप्यूटर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, जहां पे क्वांटम कंप्यूटर से बेटर परफॉर्मेंस लिए जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, जो जो इन्फॉर्मेशन बोल्ड उसके बारे में बताता हूँ, रिसर्च इन मेडिसिन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, ओके ये अच्छा इन्फॉर्मेशन देगा। इसके अलावा दोस्तों डिफरेंट तरह के नए अप्रोच को मेजर करने के तरीके हैं जो हम क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जिनको हम क्वांटम कंप्यूटर की मदद से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंट तरह के इमेजेस और वीडियो को काफी बेटर तरीके से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर की मदद से इसमें कोडिंग डिकोडिंग करने का ऐसी क्षमता होती है जिसको एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बोलते हैं, जिससे सिक्योरिटी पूरी तरह से होगी और आपके डेटा को साइबर सिक्योरिटी वगैरह में मतलब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होगा। अगर आज बात करें दोस्तों, तो आज जो भी निगेटिव साइन में कुछ दिक्कतें हैं वो क्या है, ये काफी महंगे हैं, इन चीजों की टेक्नोलॉजियां भी विकसित करने में थोड़ा और टाइम लगेगा। एट प्रेजेंट जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो हार्डवेयर वगैरह डिफिकल्ट है, अभी डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसको क्यूबिट्स के बेस पे हम काम कराएंगे, जैसा कि सिलिकॉन एटम्स वगैरह में, इसकी जगह पे जो हम सिलिकॉन एटम वगैरह आधारित जो हम आजकल ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं, वो चीजें थोड़ी सस्ती होती हैं। तो समय के साथ ये हार्डवेयर वगैरह उपलब्ध होंगे और इस तरह के मल्टीपल डायमेंशंस काम होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5 डिफेंस टेक्नोलॉजी। यूनिट 5 डिफेंस टेक्नोलॉजी में पहले तो मैं आपको इंद्रा 2017 के बारे में बताता हूं। ये इंडिया और रशिया के बीच है। आपको मैं एक बात बोलूंगा कि डिफेंस वाले यूनिट में आप बुक में जाइए, उसमें मैंने इन चीजों को बहुत ही ढंग से दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इंद्रा श्रीनेक्स एक्सरसाइज युद्ध ये अचानक आ रहे हैं, वहां पे मैंने क्या किया, आर्मी का एक साथ दे रखा है, नेवी का एक साथ दे रखा है, एयरफोर्स का एक साथ दे रखा है, और प्लस उसका एक ऑर्डर दे रखा है कि कब कब कौन कौन से एक्सरसाइजेस किस कंट्री के साथ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो रैंडम है, उस जगह पर वो एक पूरे सिस्टमैटिक मैनर पे लिखा हुआ। डिफेंस का चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, उसमें सबसे लास्ट में आ जाएगा यूनिट 5 में, इन चीजों को वहां बताया गया है। इंदिरा 2017 ये इंडिया और रशिया के बीच एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जो पहला मिलिट्री एक्सरसाइज है जो अक्टूबर 2017 में रशिया में हुआ है। इट विल बी इंडियाज फर्स्ट बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो किसी कंट्री जो कंट्री इन्वॉल्व हो रही है तीनों सर्विसेज के साथ। सिलेक्स 2017 की बात करें तो 7th एडिशन ऑफ इंडिया और श्रीलंका के बीच में, सिलेक्स की बात कर रहा हूँ, सिलेक्स का मतलब हो गया श्रीलंका और इंडिया एक्सरसाइज, एसएल फॉर श्रीलंका, आईएन फॉर इंडिया और एक्स मत एक्सरसाइज, तो नाम से देखिएगा श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 2017। ये एक ज्वाइंट मैरिटाइम नेवल एक्सरसाइज है जो हुआ है 7th से लेकर 14th सितंबर 2017 के बीच में। इन 7 days जो एक्सरसाइज था, उसका मेन पर्पस जो था कि नेवरली जो चीजें थी उनको हमें काफी स्ट्रॉन्ग करना था। इसमें एक्सटेंसिव मैरिटाइम इंटरेक्शंस, इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग, यानी जो मैरिटाइम इंटरेक्शंस हैं दो कंट्री के बीच में, उन पर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज था और उसको समझने का प्रयास करना था जो यहां पर किया गया। युद्ध अभ्यास के बारे में बात करते हैं, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के बारे में 2017 के बारे में, इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसकी मदद से, मतलब उन दोनों ने मिलकर एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2007 किया, जो ज्वाइंट बेस लेविस मैकॉर्ड वाशिंगटन में यूएसए में परफॉर्म किया गया, ज्वाइंट बेस लेविस मैकॉर्ड में परफॉर्म किया गया, और ये जो था वो वाशिंगटन यूएस में 14 से 27 सितंबर 2017 को हुआ है। यह युद्ध अभ्यास वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वाइंट रनिंग मिलिट्री ट्रेनिंग है, सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग है और डिफेंस कॉर्पोरेशन एंडेवर्स है जो कि इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है। यह 13 एडिशन है ज्वाइंट एक्सरसाइज का जो होस्ट किया गया, जो इन दोनों कंट्री के बीच हुआ है। सूर्य किरण के बारे में बात करते हैं, 2017 में जो न्यूज में रहा है दोस्तों, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच का एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन कंट्रीज में मिलकर हुआ है दोस्तों। इसका मेन इंटेंशन जो है, इंडिया एंड नेपाल मिलकर टेररिज्म को काउंटर टेररिज्म करने की बात हो रही है, यानी कंट्रोल करने की बात हो रही है, और फॉरेस्ट में हम किस तरह के युद्ध अभ्यास कर सकते हैं, किस तरह की चीजें हम ला सकते हैं, उसमें भी इस तरह के अभ्यास हुए हैं। आगे दोस्तों, इंडिया का नाग मिसाइल भी न्यूज में रहा है सितंबर में, जिसका टेस्ट किया गया है। नाग के बारे में आप जानते होंगे, इसको थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी कहते हैं। ये प्रोजेक्ट जो था दोस्तों 1983 में लाया गया था आईजीएमडीपी के नाम पर, जहां पे एपीजे कलाम का भी नाम आता है।
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसमें पांच मिसाइलों के डेवलप करने की बात थी। पांचों बैलिस्टिक मिसाइल थे जिनका नाम था पटना। पटना का मतलब होता है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। उसी में से नाग के बारे में यहाँ बात हो रही है कि नाग एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था, जिसको हम फायर एंड फॉगेट के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है, ये अपने फायर एंड फॉगेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने हिसाब से इनमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं, मिलीमेट्रिक वेव सेंसर, है ना, वायर गाइडेड वर्जन, बहुत तरह के, जिनसे वो क्या करते हैं, अगल बगल के लोकेशन को, टैंक को खुद ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, इनको जिनके द्वारा लॉन्च किया जाता है उसको हम बोलते हैं नामिका। नामिका मतलब नाग मिसाइल कैरियर। तो नाग मिसाइल कैरियर होते हैं जिनको लेकर चलते हैं और इन्हीं के द्वारा हम नाग मिसाइल को लॉन्च करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हेलीकॉप्टर से भी हम कर सकते हैं, उस वर्जन को हम बोलते हैं हेलीना। हेलीना का मतलब होता है हेलीकॉप्टर आधारित नाग को लॉन्च करना, हेलीना। अर्पण 3.0 की बात करें तो अर्पण 3.0 एक आर्मी रिकॉर्ड ऑफिस प्रेस ऑटोमेशन है, एक रोल डिफेंस मिनिस्ट्री ही इसको लेकर आया है, अर्पण 3.0, जिसको आर्मी रिकॉर्ड ऑफिस प्रोसेस ऑटोमेशन 3.0 के नाम से भी जानते हैं। एक नया ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पर्सनल को और बूस्टअप करने वाला है। ये ज्वाइंटली जो डेवलप किया गया है वो आर्मी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर और टेक महिंद्रा द्वारा विकसित किया गया है, अर्पण 3.0। तो ये एक नया ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जो डिफेंस सिक्योरिटी पर्सनल को मतलब और ज्यादा सिक्योर करने की बात कर रहा है। अर्पण 3.0 में यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, आपको मैं बताऊं दोस्तों, 12 लाख सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी है जो इजी एक्सेस कर सकते हैं अपने सर्विसेज रिकॉर्ड्स को इस अर्पण 3.0 में। तो स्पेशली सिक्योरिटी यहाँ पर मेन क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पर जो डेटा है जो सोल्जर्स के हैं उन डेटा को यहाँ पर सुरक्षित तरीके से रखने की बात हुई है। ओके दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें हैं, मैं आपको अर्पण 3.0 जो है इसमें तकरीबन जैसे मैंने बोला 12 लाख सोल्जर्स हैं जो इंडियन आर्मी, उनके सारे के सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे रखा गया है, उनके उनके जो भी पेमेंट हैं, उनके जो भी लीव्स हैं, जो छुट्टियां हैं, उनका जो भी ट्रांसफर है, उनकी जो पोस्टिंग है, वो सारे डेटा अर्पण 3.0 इस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में ये सारे डेटा स्टोर करके रखे जाएंगे। यहाँ पर एक चीज और बता दूं, कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड करेगा वैल्यूएबल डेटा जिसके बेसिस पर कोई डिसीजन लेना आसान होगा और किसी भी तरह की पॉलिसी जो बनाई जाती है ना, जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प डायरेक्टरेट्स के लिए होता है, वो सारी सुविधाएं यानी सारे डेटा आसानी से मुहैया हो जाएंगे यानी अवेलेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट स्कॉर्पिन सबमरीन डिलीवर्ड जो हुआ है दोस्तों, से बात करते हैं। वैसे फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, डिफेंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिसेंट करंट अफेयर्स पर ही आधारित होते हैं। पहला स्कॉर्पिन सबमरीन जो डिलीवर हुआ है उसका नाम है कलवारी। ये 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन में से एक है जिसे 2017 सितंबर में हैंड ओवर किया गया इंडियन नेवी को। शिप बिल्डर भजगांव डॉक लिमिटेड ने इसको निर्मित किया है ना, इसी के द्वारा ये मतलब बनाकर और ये दिया गया है। ये पूरी तरह से जो डिजाइन है यह सबमरीन, वो फ्रेंच नेवल डिफेंस और एनर्जी कंपनी DCNS ने मिलकर इसको बनाया है, जो मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 75 के फॉर्म में इंडियन नेवी में बिल्ड हुआ है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखना, कलवारी जो कि 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन में से एक है। INS तरासा के बारे में बात करें, INS तरासा एक वाटर जेट फास्ट ट्रैक क्राफ्ट है। अगेन आई रिपीट, एक वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है INS तरासा, जिसको कमीशन किया गया हाल ही में इंडियन नेवी में। आगे बढ़ते हैं V409 के बारे में। V409 के बारे में दोस्तों, एक नया इंटरसेप्टर बोट है। इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने एक न्यू इंटरसेप्टर बोट V409 जो है लॉन्च किया है। इंटरसेप्टर बोट कमिंग बोट के अगेंस्ट में जो बोट रिएक्शन देता है उसको इंटरसेप्टर बोट कहते हैं, जिसको मैंगलोर कर्नाटका में भारत डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा है ना बनाया गया, लॉन्च किया गया। ये वेसल जो है वो मिड अक्टूबर 2017 से सर्विस में आ चुका है और ये पूरी तरह से कोस्टल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करेगा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। सक्सेसफुली ट्रायल अस्त्रा मिसाइल का किया गया है। अस्त्रा मिसाइल आपके पेपर के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पहले 2008-09 के आसपास अस्त्र मिसाइल UPSC ने पूछ भी लिया है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसीलिए इसको BVRAM के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे ऐसा कौन सा मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहते हैं, तो आप कहेंगे अस्त्रा मिसाइल को कहते हैं। बाकी इसके काफी सक्सेसफुल टेस्ट हो चुके हैं और सक्सेसफुल टेस्ट पहले भी हो चुके हैं। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज में जाकर एयर टू एयर डेवलप है, काम करता है ये हर वेदर में,
रडार होमिंग मिसाइल्स है ना, हाई मैनुअबिलिटी यानी एक्यूरेसी, और इनमें कैपेबिलिटी है डिफरेंट तरह के एंगेजमेंट और डिस्ट्रॉय एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का. ओके, जो ऊपर से आने वाले जो एरियल टारगेट्स हैं, जो ऊपर हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसकी मदद से. और इसकी जो स्पीड होती है अस्त्रा की, वो सुपरसोनिक होती है. सुपरसोनिक का जो रेंज होता है वो 1 मैक से लेकर तकरीबन 5 मैक के बीच तक होता है. ओके, 1 मैक से 5 मैक के बीच होता है. और ये 1 मैक जो वैल्यू होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड डिसाइड की गई है. अगर आप फिजिक्स जानते हैं तो इस वैल्यू को आपको पता होगा, और नहीं भी है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए. 1 मैक इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड हो गए थे. और इसको हम इस अस्त्र मिसाइल को हम SU-30 फास्टर बम्बर से हम फेंक भी सकते हैं, तेजस से भी फेंक सकते हैं, मिराज से फेंक सकते हैं, MiG-29 से फेंक सकते हैं, जो भारत के ऐसे फाइटर एरोप्लेन्स हैं जो अभी भारत इनको यूज में ला रहा है. मिसाइल कॉम्प्लेक्स एट हैदराबाद एंड सेवरल DRDO लेबोरेटरी ने आपस से मिलकर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एरोफोर्स ने ये सब मिलकर अस्त्र को मतलब विकसित किया है. तो अस्त्र में मतलब बहुत सारे डिफेंस के लेबोरेटरी, अगर आप देखें वैसे भी देखें तो DRDO के आज लगभग 52 लेबोरेटरी हैं, प्रयोगशालाएं हैं, जहां पर डिफरेंट तरह की जरूरत की चीजें मिल रही हैं, बन रही हैं. सारे लेबोरेटरी अगर आप देखें तो पूरी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट DRDO से ही जुड़े हुए हैं. नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की बात करें तो यहाँ पर दुनिया का सब पहला मॉलिकुलर रोबोट बनाया गया. मॉलिकुलर का मतलब मॉलिकुलर लेवल पर बहुत ही माइन्यूट रोबोट बनाया गया, और जो कि जिसका जो साइज था वो मिलियंथ ऑफ मिलीमीटर बोला जा रहा है. तो मॉलिकुलर रोबोट जो दुनिया का सबसे छोटा रोबोट बनाया जा रहा है, इसकी साइज मिलियंथ ऑफ मिलीमीटर यानी मिलीमीटर का भी मिलियंथ साइज है जो रोबोट का है. ये सिर्फ 150 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम से बना हुआ है. एक तरह से बहुत बड़ा एक बिल्डिंग ब्लॉक है. और ये केमिकल रिएक्शन इन स्पेशल सॉल्यूशंस में, मतलब ये किसी स्पेसिफिक सॉल्यूशंस में विशेष तरह के रासायनिक अभिक्रियाएं करता है. अब बात होती है कि इनसे किस तरह के फायदे हो सकते हैं दोस्तों, ये किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं. इनसे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि पावर रिक्वायरमेंट जो होता है उसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं. अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी किसी बैटरी या पावर स्टोरेशन में करते हैं तो पावर को काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं. ये साथ ही साथ और एक्सेलरेट करता है, इम्प्रूव करता है ड्रग, मतलब डिफरेंट तरह की मेडिसिन की और डिस्कवरी करने में, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट को बनाने में, या आप कह लो बहुत तरह से तो ये इसका मेडिकल में एक वरदान होगा समय के साथ. और ड्रग टारगेटिंग में इसका यूज काफी हद तक ज्यादा होगा, जहां कैंसर आदि टाइप की बीमारियों को हम मनुष्य में होकर फिर होने के बाद भी मनुष्य को बचा सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड SIA लॉन्च किया गया. पहले मैं बताऊं SIA का मतलब क्या होता है. SIA का पूरा नाम है दोस्तों SBI इंटेलिजेंट असिस्टेंट. कुछ नहीं है, यहाँ पे जो SBI बैंक है, SBI बैंक में सारा का सारा सिस्टम AI से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया, जिस प्लेटफॉर्म को पाइजो नाम दिया गया. PAYJO, क्या नाम दिया गया? पाइजो नाम दिया गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्लैकी प्लेटफॉर्म जो पाइजो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है और चैट असिस्टेंट के लिए यूज किया जाता है, जिसे SBI लेकर आई है. जो डिफरेंट जो 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 कस्टमर इंक्वायरीज होते हैं, उन कस्टमर इंक्वायरी को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डील किया जाएगा, जिसे SIA यानी SBI इंटेलिजेंट असिस्टेंस के नाम से जाना जाता है. SIA एक रिवॉल्यूशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में, और ये अगर बताऊं तो करीब 10,000 इंक्वायरीज को पर सेकेंड में डील कर सकता है. उससे भी ज्यादा इंक्वायरीज को ये डील करने की क्षमता रखता है. SIA इनहांस करेगा जो कस्टमर सर्विसेज है ना, उनको काफी हद तक बढ़ाएगा. और SIA की मदद से जो बैंक विल रिड्यूस द सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स ओवर टाइम. तो समय के साथ जो खर्चे होते हैं, जो मैनेजमेंट करने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए बैंक को, वो काफी हद तक मिनिमाइज होगा. क्योंकि पर्सनल, आप देखिए किसी बैंक में जाते हैं तो पर्सनल के लिए आप यहाँ मिलिए, जनरल इन्फॉर्मेशन का यहाँ मिलिए, तो ये सारी चीजें आपको AI बेस्ड SIA कर दिया करेगा. और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन काफी हद तक बेटर भी होंगे. IPR में बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ऐसा कौन सा न्यूज है जो इस साल के करंट अफेयर्स के लिए सितंबर में न्यूज में रहा है. सबसे पहले बताऊँ सोशल मीडिया कंपेन जो है, जो प्रमोट करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को, जिसके पीछे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, उसने एक सोशल मीडिया कैंपेन प्रमोट किया है स्पेशली इंडियन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए, जो हमारे राष्ट्र के ज्योग्राफिकल लोकेशंस के मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जिसका नाम लेट्स टॉक IP के नाम से बोला गया है.
ओके एवरीबॉडी, फिर मैं बोलता हूँ लेट्स टॉक आईपी। एक कंपेन है लेट्स टॉक आईपी जो ग्रोग्राफिकल इंडिकेशंस को प्रमोट करने के लिए लाया गया, जो कि सीआईपीएम लेकर आया है। सीआईपीएम क्या होता है दोस्तों? सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लेट्स टॉक आईपी जो है सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट लेकर आया है, जो डीआईपीपी के अंदर काम करता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के अंदर काम करता है। और ये डिपार्टमेंट जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है। जीआई क्या होता है दोस्तों, आप सब जानते हैं। अगर आप 2015 या 16 का पेपर देखें, आई डाउट, तो उसमें क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन से भारत के जीआई हैं। आप देखिए उसमें पूछा था बनारसी साड़ी, दाल बाटी चूरमा, और एक और था शायद तिरुपति के लड्डू। तो इन चीजों को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है यहाँ पर। और बात करते हैं जीआई जो साइन होता है वो किसी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन वाले, उनकी क्वालिटी, उनके रेपुटेशन को, क्योंकि उन जगहों पर ही ये चीजें हुई हैं जिनके मतलब ओरिजिन हुई है। तो कोई भी लोकल प्रोडक्ट जो उस जगह की ओरिजिन है, किसी जगह की, किसी राष्ट्र की हो सकती है, जो उसकी क्वालिटी और उसके रेपुटेशन की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। जैसे मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे दार्जिलिंग टी है, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी है, ब्लू पॉटरी है जो कि जयपुर की है, बनारसी साड़ी है, तिरुपति के लड्डू है, इस तरह के बहुत सारे जीआई हैं जो उस लोकल एरिया के मदद से पूरी दुनिया में पॉपुलर है और जाने जाते हैं। यहाँ पर एक बात और बात करें कि इंडिया एक इंटीग्रल, इंडिया के जो इंटीग्रल इंटीग्रेशंस हैं, जो जो कल्चरल और कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल हेरिटेजेस हैं, उन चीजों के सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन भी हैं। इसके द्वारा असल में करना क्या दोस्तों, मेक इन इंडिया को हमें बूस्टअप करना है कि भारत की उपलब्धि, भारत की चीजें पूरे राष्ट्र, पूरी दुनिया में जाएं और भारत की अपनी एक स्टोरी, भारत का अपना एक कल्चर, इसको बताएं, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। इसके द्वारा सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या दोस्तों, जो हमारे लोकल लोकल जैसे एरियाज हैं उसमें स्ट्रेंथ करना, हमारी जो इंडिया के जो जीआई टैग की मदद से जो हैंडीक्राफ्ट हैं, इन चीजों को, जो बांस की चीजें बनाई जाती हैं, जो लोकल लड्डू बनते हैं, जो साड़ियां होती हैं, है ना, वो बूस्टअप किए जाएंगे। ये हमारी रूरल इकोनॉमी को भी रिमोट एरियाज में बूस्टअप करेगा, हमारे नॉलेज को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएगा। पार्टिकल फिजिक्स में आते हैं दोस्तों, पार्टिकल फिजिक्स में जो कि यूनिट 8 है, इसमें आप देखेगा 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 16 में पूछा गया, जैसे स्टैंडर्ड मॉडल, स्ट्रिंग थियरी, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, गॉड पार्टिकल पे क्वेश्चन पूछा गया है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पे क्वेश्चन पूछा गया है, एंटी मैटर पे क्वेश्चन पूछा गया है। इस साल के फिजिक्स का नोबेल प्राइज ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, इन पे आधारित जो क्वेश्चन है, आप बुक को पढ़िए, उसका करंट अफेयर्स और ग्रेविटेशनल वेव को यहाँ मैं नहीं समझा सकता, इसके लिए आप बुक को जाइए या मेरे लेक्चर वीडियोस को फॉलो कीजिए या फिर क्लासेस में आइए। यहाँ ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने का मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, चौथी बार ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया गया। और आपको बताऊँ, दुनिया में सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बताने वाले आइंस्टाइन थे, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बताया गया। चौथी बार जो ग्रेविटेशनल वेव की जानकारी मिली है दोस्तों, वह मैं बता दूं, वो दो कोलिजन मैसिव ब्लैक होल की वजह से, जो तकरीबन 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थे, मतलब पहले की बात है ना, वहां पर ऐसा कुछ हुआ था जिसकी जानकारी 14 अगस्त 2017 को ली गई। और ये जो रिकॉर्ड है, ये विरको एक डिटेक्टर है ग्रेविटेशनल वेव के लिए, मैंने अपनी बुक में 6 डिटेक्टर्स बताए हैं, लीगो के 3 बताए हैं जिसको लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव एंटीना बोलते हैं, तीसरा जो इंडिया में बन रहा है, 2 जो मैंने आपको बोला था, एक तो मैंने आपको लुसियाना बोला था, लिविंगस्टन लुसियाना, दूसरा मैंने आपको वाशिंगटन बोला था लीगो का, तीसरा इंडिया में बन रहा है लीगो इंडिया, चौथा मैंने विरको बोला था, पांचवा मैंने आपको काकरा बोला था, एक जापान वाला विरको जो आपका इटली वाला है, और एक मैंने आपको ब्रिटेन में भी बोला था जीओ के नाम से, जिसको हम जानते हैं जीईओ। यहां पर जो डिटेक्शन किया गया है वो इटली में जो विरको आधारित डिटेक्टर है, और 2 जो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जो यूएस में है, एक लुसियाना और एक वाशिंगटन में, उन तीनों की मदद से वेव को चौथी बार आइडेंटिफाई किया गया। और पहली बार एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो कि विर्गो और लीगो का है, जिसके कोलैबोरेशन में ग्रेविटेशनल वेव की जानकारी प्राप्त हुई है। ग्रेविटेशनल वेव से हमें यूनिवर्स के बारे में समझने में मदद मिलेगी। ग्रेविटेशनल वेव टाइप की चीजें, जो स्टैंडर्ड मॉडल है, स्ट्रिंग थियरी, मतलब इस तरह की चीजें हैं जो मॉडल और थियरीज दिए गए हैं, इनके बेसिस पर इन चीजों की पुष्टि होती है। बायोटेक में आते हैं दोस्तों, जीनोम एडिटिंग की बात होती है जो कि डीएनए फंक्शन को बदल देता है।
आजकल दोस्तों जीन एडिटिंग का टॉपिक क्रिस्पर और कैस9 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले साल मेरे जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं जो मैंने फ्लैबिटो पे बनाया था, वो चीज इस बार मैं स्टडी आईक्यू पे कर रहा हूँ, अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, अकेडमी पे भी कर रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आप देखना, मैंने पिछली बार जो करंट अफेयर्स बनाया था उस बार भी मैंने आपको क्रिस्पर और कैस9 पढ़ाया था। बोला माने दोस्तों क्रिस्पर और कैस9 में पिछली बार कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा है। एक्चुअल में आजकल जीन एडिटिंग की बात हो रही है, जो डिफेक्टेड जीन होते हैं उनको शुरुआती लेवल पर ही हम सही कर सकते हैं, या हमारे शरीर के अंदर जो डिफेक्ट ऑफ जीन्स होते हैं जैसे कैंसर वगैरह टाइप की बीमारियां होती हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ऐसा कौन सा न्यूज बन सकता है, उस पर बात करते हैं। पहली बार यूके के वैज्ञानिकों ने फर्स्ट टाइम जीनोम एडिटिंग स्टडी की है ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर। तो जो ह्यूमन का एम्ब्रियो होता है उसके अंदर इन्होंने जीनोम एडिटिंग की है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। दोस्तों जो जीन होता है ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर जो किया गया है वो कुछ ही दिन का एम्ब्रियो था जिसमें इस तरह के परिवर्तन किए गए हैं। जिस तकनीकी का यूज किया गया उसका नाम है CRISPR-Cas9, जिस CRISPR-Cas9 टू स्टॉप अ की जीन प्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन OCT4, यानी क्रिस्पर और कैस9 जीन जो तकनीकी है जीन एडिटिंग की, इसकी मदद से एक प्रोटीन है जिसको OCT4 कहते हैं, इसके फॉर्मेशन को रोक दिया गया था इस जीन एडिटिंग की मदद से, और एम्ब्रियो को किसी तरह की प्रॉब्लम होने से हमने बचा ली है। आगे बात करते हैं, ये नॉर्मली OCT4 एक ऐसा है जो कि कुछ दिन के एम्ब्रियो के अंदर ही जाकर, यानी जब भ्रूण जब डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियो, तो इन द बिगिनिंग में ही OCT4 जो प्रोटीन होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। जनरली 7 डेज के अंदर हम देखें जो एक होता है वो फर्टाइल होने के बाद जब डेवलप होता है तो तकरीबन 200 सेल के स्टेज पर पहुंच जाता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इसी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में हम लोगों ने OCT4 जीन के प्रोटीन को क्या किया, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी की मदद से उसका करेक्शन किया है। सो ये चीज न्यूज में रही है, आप याद रखिएगा। अगर पूछता है क्रिस्पर कैस9 क्या है, तो ऐसे प्रोटीन है और ऐसे जीन है जो जीन एडिटिंग का काम करते हैं, और उसका अच्छा खासा एक एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं। यहां पर मेन फोकस जो आपको और बताऊं कि हम OCT4 जीन को यहां पर इनएक्टिवेट कर देते हैं उसके एक्सप्रेशन को क्रिस्पर कैस9 की मदद से, और इस तरह से हम कुछ बीमारियों को होने से बचा सकते हैं। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी जो है, जो कि यूके में है दोस्तों, है ना, यूके गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी ओवरसीइंग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड रिसर्च बॉडी है, जो जिसने इस तरह की उपलब्धि दी है और जिसके बारे में अच्छी जानकारियां मिली हैं। इवन मैं आपको बताऊं जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं वो जो आगे चलकर जो एम्ब्रियो वगैरह डिराइव करते हैं जिनसे चलकर स्किन और बाकी एडल्ट सेल्स बनते हैं, उनका करेक्शन जो है वो OCT4 जो है पूरी तरह से बताता है। यानी हम पूरी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में अगर कोई प्रॉब्लम या किस तरह की चीजें होने वाली हैं तो उनका करेक्शन हम कर सकते हैं। हेल्थ और डिजीज के टॉपिक में पढ़ते हैं, इंडिया का पहला एडवांस होम्योपैथी वायरस लैब बनाया गया, बहुत बड़ी चीज है होम्योपैथी वायरस लैब। अभी तक हमने एलोपैथी सुना था, यहाँ पर एलोपैथी आप समझ रहे हैं, आज हम होम्योपैथी वायरोलॉजी लैब की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो इंडिया का पहला स्टेट ऑफ आर्ट वायरोलॉजी लेबोरेटरी है जिसे डॉक्टर अंजलि चटर्जी ने इनॉग्रेट किया है, जो कि रिजनर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी इन कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसे डॉक्टर अंजलि चटर्जी ने इनॉग्रेट किया है। ये लैब जो है पूरी तरह से नए ऐसे दवाइयां, नए ऐसी तकनीकी को विकसित करेगा होम्योपैथी में, जो कि डिफरेंट तरह के वायरल डिजीज को चैलेंज करेगा और विषाणुओं से हमें बचाने की कोशिश करेगा। इस लेबोरेटरी ने एक तरह की ऐसी लेबोरेटरी है जो डिफरेंट तरह के फंडामेंटल रिसर्च करेगी जो होम्योपैथी से जुड़ा होगा, डिफरेंट तरह के वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट में, जैसे इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में, डेंगू के अगेंस्ट में, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट में ये मेडिसिन बनाएगा, यानी होम्योपैथिक मेडिसिन, जो हमारे भारत का एक पुराना एक मेडिसिन तकनीकी है जिसको यहां पर डेवलप किया जाएगा, बूस्ट अप किया जाएगा। 2 न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव लॉन्च किए गए हैं जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2 ऐसे न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेकर आए हैं जो कि इंजेक्ट किया जाता है या तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के फॉर्म में। इसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है वो अंतारा प्रोग्राम, अगेन आई रिपीट, अंतारा प्रोग्राम, अंतरा बोल सकते हैं, वैसे इंग्लिश में इसको अंतारा है, हिंदी में आप अंतरा बोल सकते हैं, ANTRA अंतरा प्रोग्राम। और इसके साथ ही एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसको हम छाया बोलते हैं, CHHAYA, ये छाया ये दिया जाता है। इसमें होता क्या दोस्तों, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो दिए जाते हैं इसमें,
वो फ्रीली मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो 10 ऐसे स्टेट हैं जहां पे अवेलेबल है। इन स्टेट्स के नाम आपको नहीं जाने। अंतारा के बारे में बता दूं, अंतारा एक इंजेक्टेबल है, एक इंजेक्शन है जिसको देने के बाद 3 मंथ तक प्रेगनेंसी या इस तरह की चीजें कॉन्ट्रासेप्टिव सेफ रहता है। और छाया एक पिल है, एक मेडिसिन है जो कि एक बार दिया जाता है हफ्ते में तो प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश करता है। इस तरह की चीजें अनवांटेड प्रेगनेंसी जिसको आप बोल सकते हैं उसको रोकता है। तो अंतरा और छाया ये याद रखिएगा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या मेडिसिन के फॉर्म में है जो नई चीजें लाई गई और फ्रीली अवेलेबल है कई सारे स्टेट्स में। मंकी फीवर जो कि नया न्यूज में आप सब जानते हैं हमारे एग्जाम में कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स पे बेस्ड डिजीज है जो पेपर में पूछे जाते हैं। मंकी फीवर एक री इमर्जिंग डिजीज है जो पुनः आई है, जो एक्चुअली इसमें इसको हम लोग कायासनूर फॉरेस्ट डिजीज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज। क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज या मंकी फीवर जो है जनरली कैजू प्लांटेशन इन गोवा में इस तरह की बीमारी देखी गई है। मंकी फीवर जिसको क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस कॉज करता है, ये वायरस फ्लैवी विरिडी फैमिली का होता है। जो येलो फीवर और डेंगू टाइप की जो बीमारियां करते हैं वो भी इसी फैमिली को, यानी कह लो एक ही खानदान की ये सारी बीमारियां हैं जो होती हैं, वायरल डिजीज है येलो फीवर, डेंगू और ये मंकी फीवर। मंकी फीवर जो नाम दिया गया इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहले इसने जो इफेक्ट किया वो ब्लैक फेस्ड लंगूर को किया, जो काले मुंह वाले जो बंदर है ना लंगूर उनको किया, और उसके बाद इन्होंने रेड फेस बोनेट मंकीज को है ना को किया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो ब्लैक फेस लंगूर और रेड फेस जो बोनेट मंकीज होते हैं सबसे पहले इसका इंफेक्शन वहां से देखा गया और वहां से होकर ये मनुष्यों में आया है। ओके ये जो हार्ट टिक्स हैं, जो टिक्स वगैरह होते हैं वो जैसे एक नाम है हेमिफाइसिलिस स्पिनिजेरा है ना, ये इसका रिजर्वायर है जिसके अंदर ये पैथोजन वायरस जो है वो सुरक्षित रहता है एडवर्स कंडीशन में। यानी जब वायरस जैसे अभी आप देखो इस समय कंडीशन ऐसी है कि अभी डेंगू नहीं सुनने में आ रहा है, लेकिन जैसे अभी डेंगू या इस तरह के से चिकनगुनिया या बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू टाइप के जो वायरसेस पैथोजन होते हैं किसी ना किसी होस्ट के अंदर सुरक्षित रहते हैं एडवर्स कंडीशन में। तो इसका जो होस्ट एक तरह से हार्ट टिक है जिसका हेमिफाइलिस स्पिनिजेरा कहते हैं, यानी टिक के अंदर ये सुरक्षित रहता है, इसका रिजर्वायर है। यही टिक जो होता है जनरली ये जो वेस्टर्न घाट वगैरह के एरिया में है ना अच्छी तरह पाया जाता है और ये ट्रांसमिट हो जाता है यही बीमारी इनसे होकर किसके अंदर, मनुष्यों के अंदर। मंकी फीवर के जो सिम्टम्स है वो क्या होते हैं दोस्तों, इन सिम्टम्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, हीमोराइजिक सिम्टम्स आते हैं, ब्लीडिंग वगैरह होती है नोज से, थ्रोट से और गम से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल भी ब्लीडिंग होती है आंत वगैरह में, मसल स्टिफनेस हो जाता है, रिफ्लेक्सेस एक्शन जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो जाता है और सीवियर केसेस में यहाँ पर डेथ भी हो जाती है। हेल्थ एंड डिजीज में नेशनल न्यूट्रिशन वीक के बारे में बात करना बनता है दोस्तों। नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है 1 to 7 September को सेलिब्रेट किया गया है ना, जिसके पीछे जो मेन थीम था दोस्तों 2017 का उसका नाम है ऑप्टिमल इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस बेटर चाइल्ड हेल्थ। एक बार फिर से बोलता हूँ, ऑप्टिमल इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस बेटर चाइल्ड हेल्थ नेशनल न्यूट्रिशन वीक का मेन थीम था। इसके अंदर जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है उसमें काफी हद तक अवेयरनेस पहुंचा बढ़ाना है, न्यूट्रिशन को हेल्थ के रिस्पेक्ट में काफी हद तक बूस्टअप करना है, डिफरेंट तरह के जो डेवलपमेंट है, प्रोडक्टिविटीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ है नेशनल डेवलपमेंट में, वहां जो बाधा बढ़ती है इन सब बीमारियां होने से उनको पूरी तरह से रोकना है और न्यूट्रिशन हेल्थ जो है उसको बूस्टअप करना है भारत में। अब कुछ और भी चीजें हैं जो न्यूज में रही हैं, व्हाई इन्फेक्शंस पिकअप इन द हॉस्पिटल्स। जैसे अगर आप जनरली आप जाएं तो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन जल्दी पिकअप क्यों हो जाते हैं, आज ये बहुत बड़ी समस्या क्यों है, इसीलिए कहते हैं बच्चों को ज्यादातर हॉस्पिटल में मत ले जाइए। जैसे अभी मैं आपको बताऊं फरीदाबाद में हाल ही में एक हॉस्पिटल में गया, वहां पहले ही बोल दिया कि आप फ्लावर और प्लस बच्चे को नहीं ले जाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि बच्चों को न ले जाने के पीछे ये होता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है तो बच्चों के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरा ऐसी बीमारियां भी हैं जो आपको मिल जाएंगी जिसके रेजिस्टेंस होते हैं, दवाइयां उनमें काम नहीं करती हैं। आइए दोस्तों, बेंगलोरी फर्म है जिसने इंडिया का पहला एक इंटरनेशनल है ना कार्व एक्स ग्रांट डेवलप किया है, एक एंटीबायोटिक जिसका यूज है हॉस्पिटल के अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। कार्वेक्स का पूरा नाम क्या है, आप कार्वेक्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है कॉम्बैटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। अगेन रिपीट, कॉम्बैटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कार्वेक्स।
ये एक बायोफार्मास्यूटिकल एक्सेलरेटर है जो कि पब्लिक प्राइवेट इंटरनेशनल पार्टनरशिप की तरह काम करता है, जिसको 2016 में सेटअप किया गया, जिसका मेन फोकस है इनोवेशन टू इंप्रूव डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इंफेक्शंस। यानी कार्वेक्स जो है पूरी तरह से वो काम करता है डिफरेंट तरह के बीमारियों से डायग्नोस करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए, और ड्रग रेजिस्टेंस टाइप की जो दिक्कतें होती हैं उसके ट्रीटमेंट्स के लिए कार्वेक्स काम करता है। कार्वेक्स जो है वो फंडिंग करता है, फोकस है स्पेशली जो डिफरेंट मोस्ट रेजिस्टेंस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके लिए बड़े लेवल पर ये काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे फॉरेन के भी डिफरेंट ट्रस्ट हैं जो कार्वेक्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हॉस्पिटल वगैरह में एक तरह के एंटीबायोटिक्स वगैरह को डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह से जो हॉस्पिटल में जो डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं उनसे ट्रीट किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके, एक नई चीज है जो लेकर आई है। मिसलेनियस में बात करते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे पॉल्यूटिंग केमिकल्स हैं जिसको फेज आउट करने की बात हुई है और हटाने की बात हुई है। 7 ऐसे एक्सट्रीमली हार्मफुल केमिकल्स जो न्यूज़ में रहे हैं जिनको स्टॉकहोम कन्वेंशन है। फिलहाल ये एनवायरनमेंट का टॉपिक, एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस को भी सुनना मत भूलिएगा दोस्तों। ये सारे वीडियोस, इन सारे मटेरियल्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। मेंस में इन्हीं के साथ मैं आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाकर आपको बताऊंगा। स्टॉकहोम कन्वेंशंस में इन केमिकल्स के नाम डाल दिए गए हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो भारत में मेन मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट के लिए जो काम करती है, इसने एक ड्राफ्ट प्रपोजल लाया है इन 7 केमिकल्स को जो इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं, यूज किए जाते हैं, उनको बंद करने के लिए। इसमें कौन कौन से केमिकल हैं जो लिए जाते हैं उनके नाम देखते हैं दोस्तों। एक तो क्लोरडिकॉन, एक हेक्सा ब्रोमो बाईफिनाइल, एक हेक्सा ब्रोमो बाईफिनाइल ईथर एंड हेप्टा ब्रोमो डाईफिनाइल ईथर, जिसको कॉमर्शियली ऑक्टा बीडी के नाम से जानते हैं। चौथा टेट्रा ब्रोमो डाईफिनाइल ईथर एंड पेक्टा ब्रोमो डाईफिनाइल ईथर, जिसको कॉमर्शियली हम पेंटा बीडी के नाम से जानते हैं। पेंटा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडो डिकेन और 7th हेक्सा क्लोरो ब्यूटाडाइन। आप इनको 3 बार सुनिएगा दोस्तों, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अजीब अजीब से नाम है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने चाहिए, फिर भी एक बार इनको ऊपर ऊपर से सुन लीजिएगा। आप सबने सुना होगा एक फाउंडेशन स्टोन बुलेट ट्रेन भारत में लाया जा रहा है। पॉलिटिक्स इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सब जानते हैं बुलेट ट्रेन को लेकर भी इंडिया में बहुत बड़े बड़े मतलब पॉलिटिक्स हुए हैं। अगर आप सुधीर चौधरी की बात सुने, अगर आप रवीश की बात सुने, तो कोई उसके फेवर में बोलता है, कोई उसके अगेंस्ट में बोलता है। फिलहाल हम यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम यूपीएससी की बात करते हैं। लेकिन एक सजेशन मैं आपको दूंगा दोस्तों, बुलेट ट्रेन का एक वीडियो है जिसमें लाख से भी ज्यादा व्यूअर्स हो चुके हैं। बुलेट ट्रेन जिसको मैंने बनाया था जब बुलेट ट्रेन न्यूज में आया था, आप बुलेट ट्रेन को और ढंग से सुनने के लिए और उसके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, मैग्नेटिक रेडिएशन, हाइपर लूप, ये सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं, आप इस वीडियो को जरूर सुनेंगे वहां पर और ढंग से आपको बुलेट समझ में आएगा। क्योंकि मैग्नेटिक लेविएशन जो टेक्नोलॉजी है, मैगलेव, और जिसके बेसिस पर हाइपर लूप ट्रेन लाई जा रही है, हाइपर लूप और बुलेट ट्रेन दोनों अलग अलग वीडियोस हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। या मैं शॉर्ट में बात करता हूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापानीज काउंटर पार्ट शिंजो आबे ने साबरमती स्टेशन ग्राउंड पर यानी अहमदाबाद में जाकर यह चीज फाइनल हुई है, जिसमें 508 किलोमीटर लंबा मुंबई टू अहमदाबाद एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जिसके लिए तकरीबन 1.10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है। इसे 2022 तक कंप्लीट कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट जो है वो इंडियन रेलवे और जापान की सिनकांसन टेक्नोलॉजी है जो दोनों मिलकर लाई है। ये ट्रेन जो है पूरी तरह से जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 508 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। जो ट्रेन साबरमती गुजरात से जाएगी और बांद्रा मुंबई तक, जो कि महाराष्ट्र में पड़ेगा, यानी गुजरात टू मुंबई 508 किलोमीटर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 2.58 आर में कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहां ट्रेन की स्पीड तकरीबन 320 किलोमीटर पर आर रखने की बात हुई है, जो दूरी 7 से 8 घंटे में तय की जाती है, उसे तकरीबन 3 आवर्स में पूरी कर ली जाएगी। अहमदाबाद से मुंबई के बीच वो 12 स्टेशंस हैं से होकर गुजरेगी, जिसमें मुंबई, थाने, विरार, भोजपुर, वापी, बिलमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती, जहां पे 4 स्टेशन ऐसा कहते हैं जो कि मुंबई में कवर होगा और 8 स्टेशन
गुजरात में, यानी महाराष्ट्र और गुजरात में। इसका 80% कॉस्ट जो होगा 88,000 करोड़ रुपीज विल बी प्रोवाइड बाय जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, जो सॉफ्ट लोन के फॉर्म में होगा, 0.1% पर एनम के इंटरेस्ट पर पे होगा। और ऐसा कहते हैं कि ये पेमेंट जो होगा विल बी रीपेड ऑफ जापान 50 सालों में दिया जाएगा और इसमें भी 15 साल का ग्रेस पीरियड होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। हाउ विल बी द प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया इन द ग्रोथ, और वो उसके बारे में आप जानने के लिए आप वहां जाइए दोस्तों, यहां पर मैं इन चीजों को बताना जरूरी नहीं समझता हूं। लेकिन एक बात और बता दूं, इसी तहज पर जो बुलेट ट्रेन है ना, जो मुंबई टू और अहमदाबाद के बीच बात की गई है, वहीं इंडियन रेलवे ने कंट्री का सेकेंड हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने की बात की है, जो दिल्ली से अमृतसर के बीच होगी, जो कि चंडीगढ़ के थ्रू होकर गुजरेगी, जो कि 2024 तक पूरा करने की बात है। 458 किलोमीटर लंबा होगा, जो सफर 2 घंटे 30 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा, जहां ट्रेन की स्पीड 300 से 350 किलोमीटर पर आर के बीच होगी। और ये भी स्पीड जो है ट्रेन जो है वो अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर होते हुए अमृतसर पहुंचेगी। जीवन बिंदी, आप उम्मीद करता हूं आप मेरे साइंस रिपोर्टर के वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, जीवन बिंदी साइंस रिपोर्टर के आर्टिकल में भी रहा है, शायद फरवरी या मार्च मंथ के 2018 में जीवन बिंदी मैंने आपको बताया है। ये सिंगापुर बेस्ड एक मार्केटिंग एजेंसी है और महाराष्ट्र बेस्ड एनजीओ है, दोनों ने मिलकर वर्मिलियन, जिसको हम बिंदी कहते हैं हिंदी में, है ना, जीवन बिंदी के नाम से, है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसके अंदर आयोडीन होता है और आयोडीन को हमारे हमारे इंडिया में फीमेल्स के अंदर पहुंचाना है। करीब ऐसा कहते हैं 71 मिलियन पीपल हमारे कंट्री में ऐसे हैं जो ग्वाइटर बीमारी से ग्रसित हैं, इसको घेंगा कहते हैं, गले में जो होता है, और इसके अलावा अदर आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं जिनसे वो समस्या में हैं। बहुत सारे जियोमॉर्फिक कंडीशंस हैं जैसे ग्लेशिएशंस, फ्लडिंग, रिवर्स चेंजिंग कोर्सेस, डिफॉरेस्टेशन की मदद से जो आयोडीन सॉइल में होते हैं वो लीज डाउन होकर वहां से अलग हो जाते हैं, और इसी वजह से हमें जब हम जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है। आयोडीन डेफिशिएंसी सॉइल से जब हम नमक बनाते हैं उन नमक में आयोडीन कम होता है। यहां पर होता क्या है कि इस बिंदी में थोड़ा सा एक एडहेसिव लगा होगा, एडहेसिव चिपकने वाला, जिसमें क्या होगा आयोडीन रख दिया जाएगा और वो आयोडीन तकरीबन 100 से 150 मिलीग्राम एब्जॉर्प्शन हर दिन वो स्किन के थ्रू कर लिया करेगा। ऐसा कहते हैं एवरी डे इस बिंदी को 8 घंटे में अगर लगाया जाए तो जो हमारे जरूरत का आयोडीन है वो बॉडी के अंदर यूज में आ जाता है। जनरली आयोडीन जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इनिशियली जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस समय बच्चे के डेवलपमेंट के लिए आयोडीन बहुत ही जरूरी है। आयोडीन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेस मिनरल और न्यूट्रिएंट्स है जो हमें आसानी से मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ह्यूमन को आयोडीन की जरूरत पड़ती है क्योंकि थायराइड हार्मोन जो होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड से इसी आयोडीन न्यूट्रिशन की वजह से प्रॉपर तरीके से निकलता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो ग्वाइटर अधिकता हो जाती है, हाइपरथायरॉइडिज्म, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जनरली जो आयोडीन होता है वो उसके सोर्स क्या है अगर हम बात करें तो सी फूड है, उसमें भी आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। डेली प्रोडक्ट्स के फॉर्म में सॉल्ट वगैरह से लें और प्रोटीन फूड वगैरह से भी लेते हैं तो काफी बेहतर है। इंडिया में नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में चलाया गया। सो नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में चलाया गया, जिसके पीछे मेन रीजन था कि करीब इंडिया में, है ना, जो भी लोग जो आयोडीन कमी से ग्रसित हैं उनको काफी हद तक कम किया जाए और 100% उनके कंजम्पशन में आयोडाइज सॉल्ट जो कि 15 ppm के आसपास हर हाउस होल्ड में जरूरी है वो पहुंचाया जाए। और आयोडेट एक इंटायर एडिबल सॉल्ट है जो हमारे कंट्री में आयोडीन आयोडेट के फॉर्म में हम लोग यूज में लाते हैं। लास्ट इंफॉर्मेशन है दोस्तों इस वीडियो का जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा FSSAI के बारे में। FSSAI जो लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फूड इंस्पेक्शन और उसकी सैंपलिंग के लिए। आपको एक बात बताऊं, रशिया एक ऐसी कंट्री है जहां फूड में मिलावट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कितना सच है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुन रखा है कि रशिया में हैंग टिल डेथ है। भारत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें मिलावट ना हो और आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ओके यहां FSSAI के बारे में बताऊंगा दोस्तों, एक ऐसा तरीका है, एक ट्रांसपेरेंसी है जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन और सैंपलिंग को लेकर आएगा। फूड रेगुलेटर एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं इंडिया में, जो बनाई गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करेगा, फूड सेफ्टी का काम करेगा भारत में। एक नेशन वाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं फॉस्कोरिस,
क्या बोलते हैं FOSCORIS फॉस्कोरिस बोलते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सारी जानकारियां अवेलेबल होंगी और जो भी प्रॉब्लम्स होंगे यहां पर डिस्कस किए जाएंगे। ये वेब बेस्ड जो फॉस्कोरिस प्रणाली है, फॉस्कोरिस याद रखिएगा, ये हेल्प करेगा डिफरेंट तरह के कंप्लेंट्स को जो फूड सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, जहां कोशिश होगी कि प्रोडक्ट्स को हाइजीन तरीके से हाइजीन प्रोडक्ट को दिया जाए और फूड बिजनेस वगैरह को जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंदर है उसके अंदर रखा जाए, क्योंकि फूड जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा सेंसिटिव भी हो सकता है अगर वो फूड ठीक नहीं है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं साथ साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करेंगे। यहां पर आपके पेपर में FSSAI क्वेश्चन बन सकता है। FSSAI पर थोड़ी सी बात करते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको स्टेबल किया गया है, इसको बनाया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2003-6 के अंदर। ओके, इसका मुख्य काम क्या है इसके बारे में और बता दूं कि ये ठीक है स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग है ना, इन सारी चीजों को, इसका सेल, इसका इंपोर्ट, सारी चीजों को चेक करता है, जो फूड जो ह्यूमन कंजम्पशन में लिया जाता है या किसी दूसरे कंट्री से लेते हैं उसकी भी क्वालिटी चेक करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है इसको पूरा मैनेज करेगा, इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव करेगा एफएसएसआई को। इसके लिए एक चेयरपर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंट किया जाएगा, है ना, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करेगा। यहां जो चेयरपर्सन होगा जो इसके अंदर काम करेगा वो सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होगा। सो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स था, मैंने पूरा जितना भी कोशिश हो सकती है पूरी चीजों को लेकर आता हूं, वीडियो बड़ा हो या छोटा हो मेरा बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ चीजें छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि आपका एक साल फिर रह जाएगा, अगली बार आपको फिर तैयारी करनी पड़ेगी। फाइन, तो मैंने पूरी कोशिश सितंबर मंथ की कर दी है, अगले वीडियो का वेट कीजिए, अक्टूबर में अक्टूबर करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्दी। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें, बाकी आप अपने सलाह हमें जरूर देते रहें, आपकी सलाह की हमें हमेशा जरूरत है, क्योंकि आपकी सलाह की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें अपडेशंस हमेशा होता रहे, और सबकी जरूरतें तो मैं पूरी नहीं कर सकता लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि मैक्सिमम लोगों की जरूरतों को मैं पूरी कर सकूं। अगले वीडियो में वो चीजें आपको दिखेंगी। सो थैंक यू एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।